नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और दोस्तों आज है 22 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 22 सितंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा कि दोस्तों अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp नंबर 9111920612 पर मैसेज कर दोस्तों इसको परचेज कर सकते हो। और इसकी कॉस्ट की बात कर दोस्तों तो जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक ओनली 99 रुपीज में आएगी, और जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक की कॉस्ट दोस्तों 74 रुपीज रहेगी। और दोस्तों मंथली 2022 की बात करें, अगर आपको मंथली PDF चाहिए तो इसकी कॉस्ट रहेगी ओनली 15 रुपीज। इसका रिवीजन करें हम तो देखिए 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और देखिए 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे, और 4 मार्च को विश्व इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। देखिए दोस्तों 21 सितंबर को हम विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाते हैं, तो विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को न्यूरोलॉजिकल विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व अल्जाइमर दिवस को पहली बार 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में ADI यानी अल्जाइमर डिसीज इंटरनेशनल के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के रूप में चिन्हित किया गया था। विश्व अल्जाइमर माह के लिए इस वर्ष की थीम क्या है दोस्तों, डिमेंशिया को जानो अल्जाइमर को जानो। दोस्तों सबसे पहले हम जो करंट अफेयर थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में महा उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा दोस्तों, तो ये 12 नवंबर 2022 को किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 12 नवंबर 2022। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 20 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण इंजीनियर योजना का शुभारंभ कहां से किया है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुशभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। तो याद रखिएगा दोस्तों ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो ये 20 सितंबर 2022 को किया गया। किसके द्वारा किया गया है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है, और कहां से किया गया है, तो भोपाल से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी को राज्य स्तरीय मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री का अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों, तो ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय जबलपुर में है, और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी विद्युत वितरण कंपनियां हैं दोस्तों, 3 विद्युत वितरण कंपनियां हैं, ठीक है, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन किया गया है दोस्तों, तो ये 1074 ग्रामों का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में हमारे मध्य प्रदेश के 1074 अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन किया गया है। और देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर MP पटवारी में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांवों का विकास है, स्थानीय संसद सदस्य द्वारा अपनाया गया, 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ विधानसभा के सदस्य द्वारा अपनाया गया, या जिला पंचायत के द्वारा अपनाया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 किसे दिया जाएगा दोस्तों, तो ये कुमार सानू को दिया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 21 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार कुमार सानू को दिया जाएगा, और यह है दोस्तों कुमार सानू, ठीक है। और देखिए बात करें हम, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2020 किसे मिला था, यह आनंद मिलिंद को मिला था। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2019 किसे दिया गया था दोस्तों, शैलेंद्र सिंह को दिया गया था। और देखिए अभी हाल में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2013 किसे मिला है, तो ये अलका याग्निक को मिला है। सबसे पहले बात करें दोस्तों हम राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। इसकी ये किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, संगीत निर्देशन एवं पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाता है।
इसकी शुरुआत 1984 से की गई थी और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, 5,00,000 रुपए दी जाती है। और 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया जा रहा है दोस्तों, तो ये कुमार शानू को दिया जा रहा है। 2020 का आनंद मिलिंद को मिला था और 2019 का शैलेंद्र सिंह पार्श्व गायक, 2018 का कुलदीप सिंह और 2017 का सुमन कल्याणपुर को मिला था, 2016 का अनु मलिक को मिला था, 2015 का उदित नारायण को मिला है, 2014 का बप्पी लाहड़ी को मिला था और 2013 का अलका याग्निक को मिला था। तो पहला राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किसे दिया गया था, तो ये 1984 में नौशाद अली को दिया गया था। देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा वर्ष 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकार सम्मान ख्यात पार्श्व गायक कुमार शानू को दिया जाएगा। वर्ष 2020 का यह सम्मान संगीतकार आनंद मिलिंद और वर्ष 2019 का सम्मान पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह को दिया जाएगा। समारोह 28 सितंबर को लता मंगेशकर के जन्मदिवस पर आयोजित किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण 3 साल से यह समारोह नहीं हो सका है, इसी कारण 3 साल का समारोह एक साथ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले की अर्चना कुशवाहा को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है, ये सतना डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों और ये समाज सेवी है, ठीक है। और ये पुरस्कार इनको किसके द्वारा दिया जाएगा, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अर्चना कुशवाहा का संबंध किस क्षेत्र से है, समाज सेवा से है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, सतना डिस्ट्रिक्ट से है, और इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया जाएगा। तो सतना जिले की सबसे कम उम्र 22 वर्षीय अर्चना कुशवाहा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होगी। अर्चना कुशवाहा को समाज सेवा के प्रति उनके उत्कृष्ट कार्य को लेकर उनका चयन किया गया है। भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 सत्र के लिए मध्य प्रदेश की एकमात्र छात्रा अर्चना कुशवाहा का चयन किया गया है। और सतना जिले के साथ साथ अर्चना कुशवाहा को हमारे मध्य प्रदेश के अन्य जिले में भी 40 से अधिक पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कक्षा 1 से 8 तक स्कूलों की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान है दोस्तों, तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट द्वितीय स्थान प्राप्त किया दोस्तों, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है और पन्ना डिस्ट्रिक्ट ने फोर्थ स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग, इसके मंत्री कौन है, इंदर सिंह परमार जी है। तो इन्होंने दोस्तों कक्षा 1 से 8 तक के लिए सत्र 2022-23 की पहली तिमाही जिलेवार रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इसमें छतरपुर जिला 83.81% के साथ ए ग्रेड लेकर हमारे मध्य प्रदेश में अव्वल जिला बना है। और वहीं संभाग की बात करें दोस्तों, तो सागर संभाग पहले स्थान पर है और राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 के तहत समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रम एवं गतिविधियों के साथ ही छात्रों के सीखने के प्रतिफल, शिक्षकों की क्षमता संवर्धन, स्कूलों में उपलब्ध संसाधन और मूल्यांकनों में शालाओं में प्रदर्शन आदि को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग तैयार की है। इसमें 6 प्रमुख घटकों के अंतर्गत 32 पैरामीटर पर रैंकिंग तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान कब से चलाया जाएगा, तो ये 2 अक्टूबर से चलाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2 अक्टूबर। और दोस्तों 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाई जाती है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में गांधी जयंती 2 अक्टूबर से नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और नशा मुक्ति अभियान 30 नवंबर तक हमारे पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। सामाजिक, धार्मिक एवं अशासकीय और योग संस्थाओं के द्वारा अभियान की रूपरेखा तय करने, सहयोग प्रदान करने, हमारे मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का दूसरा पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों, तो ये बनेगा दतिया डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दतिया डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पहला पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है और ये हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने जिला दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 31,12,00,000 रुपए के बजट का प्रावधान है और वर्तमान में पुलिस का मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिर्फ रीवा में है और यह हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा इंस्टीट्यूट होगा। स्थानीय प्रशासन के द्वारा इसके लिए 16 एकड़ जमीन बड़ौनी थाना क्षेत्र में आवंटित की है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, इसरो का सही पूर्ण रूप क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, यह भी एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, वॉशिंगटन डीसी, जेनेवा, पेरिस या न्यूयॉर्क।
तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।